हाय एवरीवन, मैं मिस बा ब्यूटी 9 से आज मैं आपको 5 ब्यूटी हैक्स दिखा रही हूँ। तो एक एक कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका अगर मस्कारा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है और बहुत ड्राई हो गया है, आपकी लैशेस आपस में चिपक जा रही हैं, तो ऐसा कीजिए, आप एक बाउल में गर्म पानी लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे हमें इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, आपका जो फॉर्मूला होता है मस्कारा का वो स्पॉइल हो सकता है, इसलिए उसे 5-10 मिनट छोड़ दें गर्म पानी में। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये बहुत स्मूथ हो जाएगा वर्क करने के लिए। ये देखिए, ये इतने अच्छे से अप्लाई हो रहा है एक एक लैशेस में, क्योंकि मेरा बहुत ड्राई हो गया था। ये भी देख लें कि अगर ज़्यादा ड्राई हो गया है तो कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। शायद आप काफ़ी महीनों से यूज़ कर रहे हो और उसकी एक्सपायरी आ गई हो, इसलिए भी ड्राई हो गया होगा। पर अगर ये ज़्यादा देर हवा में रहने की वजह से ऐसा हुआ है तो ये हैक परफेक्ट है। और आप देखिए कि कितने अच्छे से ये एक एक लैश को अब कवर कर रहा है और मेरी लैशेस आपस में जुड़ भी नहीं रही है। ये रहा, वाओ वाओ, वाओ, बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये लैशेस। तो आपको थोड़ा और कर्ल चाहिए, थोड़ा और वॉल्यूम चाहिए, तो एक और ट्रिक है, ये हमारी सेकंड ट्रिक है। तो उसके लिए हमें करना है, एक ब्रश लें, अपना सेटिंग पाउडर लें, आप बेबी पाउडर भी ले सकते हैं। ये मैं ओरिफ्लेम का द 1 सेटिंग पाउडर ले रही हूँ। इस फ्लैट ब्रश में लेंगे और लैशेस पे लगाएंगे। अच्छे से लैशेस कवर करें दोनों। कवर हो गई। अब हम इस पे एक और कोट करेंगे और आपकी लैशेस में और वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। ये मस्कारा लगा रहे हैं, देखिए कितना वॉल्यूम दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि नेचुरल लैशेस हैं। ये बेस्ट ट्रिक है। अगर आपको फॉल्स लैशेस पहनने में प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली ऐसा कीजिए और आपको बहुत अच्छी वॉल्यूमनेस थिक लैशेस मिलेंगी। ये देखिए, बहुत थिक लैशेस, और ये मेरी नेचुरल लैशेस हैं। वाओ, बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ, अब आपको एक लैशेस की थिकनेस हो गई, आपको थोड़ी लेंथ चाहिए, आपके लैश के हेयर्स कम हैं, तो हम कॉटन लेंगे, उसे अच्छे से इस तरह उसके निकाल लेंगे लैशेस और ट्राई करेंगे उस पर स्टिक करने के लिए। जब हमारा मस्कारा हल्का गीला हो, ताकि उस पर कॉटन स्टिक कर सके। बहुत फाइन लेंगे हम कॉटन, देखिए इतना फाइन ले रही हूँ मैं, और उसके बाद उस पर स्टिक कर रही हूँ। अब एक कोट और हमें ये कॉटन को करना है कोट। और ये देखिए जो कर्ल्स दिख रहे हैं, ये वो कॉटन है। और एकदम से फॉल्स लैशेस का इसमें लुक आ गया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। मैंने इस पर किया है, इस पर नहीं किया है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि और कर्व दिख रही है और इसमें इतना वॉल्यूम और उतना लेंथ नहीं दिख रही है। तो अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक के लिए हेयर्स के लिए है, तो ये फोर्थ ट्रिक है। अगर आपके बाल मेरी तरह छोटे हैं थोड़े, मेरा मीडियम है हेयर टाइप, ये देखिए इतने। अब इसमें डेफिनेटली आपका बन उतना बड़ा बनेगा नहीं और वो आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका बन थोड़ा बड़ा हो और थोड़ा अच्छे से स्टे करे, ज़्यादा स्टे नहीं करता। छोटे बाल में बन बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये एक बहुत सिंपल सा बन है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप। हमें इस तरह से ये हेयर्स लेने हैं इधर, और ये मैं एक क्लच ले रही हूँ मीडियम साइज़, ये मैंने क्लच कर दिया। थोड़ा सा हम वॉल्यूम लेते हैं जैसा हमको चाहिए बन के बाद। अब ये बाकी हेयर्स लेके इसके अराउंड रैप किया और हल्का सा क्लच उठा के इसे इस तरह पिन किया और यहाँ से हेयर लेके इसे कवर कर लिया। तो हमारा क्लच भी नहीं दिख रहा है और हमारा एक बन भी बन गया जो कि बहुत फिक्स रहेगा। और हो क्या, इतने छोटे बालों में भी बन बनाया जा सकता है। देखा आपने ये कितना इजी था। अब बचा है एक और जो कि है लाइनर से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लाइनर लगाने में मुश्किल होती है, उनका आई लाइनर एक सा नहीं लगता है, उनका विंग सही नहीं आता है। तो उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक, वो है ये पिन। ये पिन जो हम नॉर्मल हेयर पिन होती है, ये वो वाली पिन है, देखिए। इसमें हम लाइनर लगाएंगे इसके इस तरफ साइड में, और हमें जहाँ विंग बनाना है बस वहाँ प्लेस करेंगे इसे। देखा आपने आपको कहाँ पे इसका डायरेक्शन मिल गया। अब हम इसे बस फिल करेंगे और हमारा परफेक्ट विंग लाइनर बन जाएगा। ये देखिए मैंने सिर्फ जॉइन किया है और ये इतना थिक विंग मिल गया है मुझे। अब हम सेम दूसरी आई पे करेंगे और फिर इसे कंप्लीट करते हैं। हम ध्यान रखें, हमने इस तरफ के लिए ऐसा किया था, अब ये सेम चीज़ हम इधर नहीं कर सकते, हमें ये इस तरह रखना है तो हमें इधर लगाना होगा लाइनर। सो साइड चेंज करेंगे तो इसका भी साइड चेंज होगा। मैंने इस पर लाइनर लगाया, अब इस पर प्लेस करेंगे। वाओ, हाँ, इन दोनों को जॉइन और फिर यहाँ से लाइन लेकर लाइनर जॉइन कर रहे हैं हम। अब सिर्फ हमें एक ड्राइंग की तरह इसे फिल करना है और यहाँ से जॉइन करना है। ये हो गई ड्रामेटिक कैट आई। इसका ये इतनी ब्रॉड थी इसलिए इतना थिक मेरा लाइन बना है। अगर इसका डिस्टेंस कम होगा तो आप एक पतला विंग भी बना सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये आई लुक, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अब ये हमारी फोर्थ थी और अब इसके बाद एक और नहीं, ये फोर्थ नहीं थी। मैंने आइज़ के लिए 3 ट्रिक बताई, एक हेयर के लिए बताई और एक आइज़ के लिए। ये एक ट्रिक बोनस है आपके लिए। जिनके लिप्स पतले हैं, मैंने एक्चुअली मुझे याद आया कि किसी ने कमेंट में पूछा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए। हाँ, तो जिनके लिप्स पतले हैं उनके लिए आप देख रहे हैं ये वैसलीन की इतनी सी बॉटल, यही सारा मैजिक कर देगी। आपको क्या करना है, ये आपकी पर्सनल होना चाहिए, सब यूज़ करते हो ऐसा ना हो, या फिर आप इतना बड़ा कोई सा जार या ग्लास ऐसा कुछ लें और आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एयर खींचना है इस तरह, समझ रहे हैं आप। आपको इसे फंसाना है एयर अंदर तक करके, ऐसा आपको 5 मिनट करना है और आपको ये लिप्स थिक दिखेंगे। जिनके पतले लिप्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद आप फेशियल ऑयल लगाएं या वैसलीन लगा सकते हैं, मैं ये प्रेफर करती हूँ। ये मैक्सिमम हाइड्रेट करते हैं आपके लिप्स को। उसके बाद आपको जो भी लिपस्टिक लगानी है आप उसको लगा सकते हैं, और ध्यान रखें आप इस तरह अंदर उसे होल्ड करके 5 मिनट तक रखें। उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएं, आपके लिप्स थिक और प्लम दिखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।